चीन अभी भी डोकलाम मुद्दे पर लगातार कारस्तानी दिखा रहा है। अब जबकि दोनों देश इस सीमा विवाद का कूटनीतिक निपटारा फिलहाल कर चुके हैं, इसके बावजूद चीन के विदेश मंत्रालय ने चुभने वाला बयान दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया है कि भारत और चीन की तरफ से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक परिणाम असंतोषजनक रहे हैं। भारतीय सेना के डोकलाम में अवैध तरीके से घुसने से द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा आघात लगा है। ये बयान विदेश मंत्री वांग यी के भारत से लौटने के बाद वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। वांग 11 दिसंबर को भारत आए थे, जहां उनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। वांग ने स्वराज और रूस के विदेश मंत्री के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया था। तब चीन की तरफ से मुलाकात पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन अब उस पर सोच समझ कर बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से वांग यी की भारत यात्रा को लेकर जो बयान वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं, उनमें पिछले दो दिनों में दो बार बदलाव किए जा चुके हैं। वांग यी और सुषमा स्वराज की मुलाकात पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि दोनों की बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि दोनों देशों के बीच बगैर किसी एजेंडे के बातचीत होनी चाहिए, ताकि आपसी भरोसा बढ़ सके। साफ है कि भारत चीन के इस रवैये पर अभी कोई तीखी टिप्पणी करने से बच रहा है। जब डोकलाम विवाद सामने आया था, तब भी भारत ने बेहद संयमित भाषा का इस्तेमाल किया था, जबकि चीन की तरफ से लगातार आक्रामक बयान दिए जा रहे थे। भारत के इस रवैये की कई विदेशी सरकारों ने भी तारीफ की है। टीम इंडिलिंक्स।